आज बात करूंगा मैं दोस्तों पेन किलर के बारे में। जैसे कि क्या होता है कि मस्कुलर पेन, एंकल पेन, बॉडी पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये होते क्या हैं, इसमें क्या दें, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि आजकल लोगों में होता क्या दोस्तों कि जैसे कि उम्र एजेड हो जाते हैं, जैसे एजेड लोग, जैसे कि बूढ़ों में क्या होता है, जैसे कि 40 से 45 या एबव के लोगों में क्या होता है कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाती है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाती है, जैसे कि इन्फ्लामेशन या पेन, जॉइंट पेन हो जाती है, कॉमन सी बातें हो जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीरोडाल एसपी के बारे में। जीरोडाल एसपी होता क्या है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट क्या है, ये कौन सी मेडिसिन है जो कहाँ दी जाती है, किस लोगों को दी जाती, कैसे दी जाती है, उस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जीरोडाल एसपी की बात करेंगे आज हम लोग। जीरोडाल एसपी होता क्या है दोस्तों, जीरोडाल एसपी जो होता है ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है। कैटेगरी ये है, ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है दोस्तों। इसमें बात करें कंपोजिशन की तो क्या क्या पाए जाते हैं इसमें दोस्तों। पाए जाते हैं सिक्लोफिनेक होता है जो कि 100 mg होती है, और दूसरी इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो कि पीसीएम पैरासिटामोल है जो 350 25 mg पाई जाती है, और सेराइटोपेप्टाइडेज की बात करें इसमें इसमें सेराइटोपेप्टाइडेज पाई जाती है जो कि 15 mg पाई जाती है दोस्तों। जीरोडॉल एसपी जो होता है ये क्या करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में मस्कुलर पेन हो गया तो इसमें क्या करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मस्कुलर पेन हो गया, बॉडी एक हो गया, मतलब बॉडी पेन हो गया, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, तब भी इस मेडिसिन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। इसका काम ज़्यादा बहुत फ़ायदा ये है, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। ऑस्टियो आर्थराइटिस होता क्या है इसमें दोस्तों, जैसे कि एजेड लोगों में क्या होता है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाते हैं। ऑर्थियोआर्थराइटिस में होता क्या दोस्तों, एक कार्टिलेज होती है जो कि हमारे जो बोन जो होते हैं बोन के बीच में, जैसे कि ये बोन है, एक बोन ये है, इस पे क्या होता है, एक कार्टिलेज की परत होती है, एक ऐसी परत होती है मतलब परत लेयर होती है जो कि हमारे बोन को आपस में फ्रिक्शन करने में, मूवमेंट करने में ये हेल्प करती है, कार्टिलेज होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हो जाता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ये कार्टिलेज जो होता है अगर एक्सरे करवाने पे देखा जाए तो कार्टिलेज क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिससे क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी पेन होने लगता है, और एक सेरेब्रल फ्लूइड होती है जॉइंट के बीच में, वो भी उसकी भी कमी हो जाती है जिससे काफ़ी पेन होने लगता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी हम जीरोडाल एसपी का प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टर देते हैं इस भी कंडीशन में। और दोस्तों दूसरी बात करें इसमें क्या होता है, साइन सिम्टम की बात करें अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो इसमें क्या होता है, काफ़ी पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट में, जैसे कि हाथ के जॉइंट में हुआ, ये फ्लेक्सिबल, ये क्या बोलते इसमें जॉइंट, इस जॉइंट में हो गया, हैंड की जॉइंट में हो गया मूवमेंट, और क्या होता है इसमें मूवमेंट कम हो जाता है, जो मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, जैसे कि इस तरह के इसको फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, अगर इस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। तीसरी बस्ती क्या होता है दोस्तों, तीसरी बात क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टिफनेस हो जाती है, मतलब एक जकड़न सी होने लगती है, मूवमेंट नहीं हो पाता है, ऐसे मूवमेंट करते तो दर्द होता है काफ़ी, ये साइन एंड सिम्टम होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। और दोस्तों दूसरी बात करें कि इसमें जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस में भी इस मेडिसिन की दी जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है इसमें, जैसे कि स्पाइन जो होते हैं हमारे, बैकबोन होते हैं, बैकबोन में पेन होने लगता है, जॉइंट जो होते हैं बैकबोन के उनमें काफ़ी दर्द होने लगता है, जो डिस्क होते हैं, वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा कॉलम बोलते हैं उनको, उसमें काफ़ी पेन होने लगता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस में भी दी जाती है दोस्तों। और बात करें दोस्तों जैसे कि फीवर है, तो फीवर में भी ये काम करता है अच्छी, मतलब फीवर जैसे कि जो पैरासिटामॉल हो, ये एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों का काम करता है, फीवर और दर्द को, दोनों को कम करता है। और दूसरों दूसरी बात बात करें दोस्तों, जो क्या नाम है, इन्फ्लामेशन को भी ये कम कर देता है, इन्फ्लामेशन में भी अच्छा काम कर देता है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और दोस्तों बात करें हम जैसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या पाए जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें जैसे कि नाउजिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, वोमिटिंग होने के साथ साथ क्या होता है, डिजनेस, मतलब चक्कर आने लगते हैं, मतली होने लगते हैं,
और दूसरी बात, ये और भी बात है दोस्तों, जैसे इंडाइजेशन होने लगता है अगर इसके साइड इफेक्ट देखे जाएं। इंडाइजेशन का मतलब है खाना खाने में डाइजेस्ट होने में हमें कभी प्रॉब्लम होती है, पेट में काफ़ी दर्द होता है, ये चीज़ें होती है दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट है। बात करें इसकी डायरेक्शन के बारे में, किस तरह से यूज़ करें, तो दोस्तों एडल्ट की बात करें इसके यूज़ के लिए, तो एडल्ट में दोस्तों इसको सुबह शाम दिए जाते हैं आफ्टर मील, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या फार्मासिस्ट से। दोस्तों बात ये करूँगा, कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन ना करें, काफ़ी ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जैसे कि लाइफ के लिए हानिकारक हो सकती है कोई भी मेडिसिन।